1990 की म्यूजिकल हिट आशिकी के अभिनेता राहुल रॉय को मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 52 साल के राहुल कारगिल में गलवान वैली पर बेस्ड फिल्म LAC की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही श्रीनगर के अस्पताल में ले जाना पड़ा और बाद में टीम ने उन्हें मुंबई लाकर नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां वे ICU में भर्ती है। LAC की शूटिंग पर मौजूद रहे अभिनेता निशांत सिंह कानी ने न्यूज को बताया कि कुछ ही दिन पहले शूटिंग के दौरान राहुल और बाकी टीम मेंबर्स को लगा कि वे सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। स्थिति ज्यादा गंभीर लगने पर टीम मेंबर्स उन्हें 2 दिन पहले मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। वहां बताया गया कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। कारगिल से उन्हें श्रीनगर ले गए और वहां से मुंबई ले आए। निशांत सिंह ने बताया कि शेड्यूल के मुताबिक राहुल को 4 से 5 दिन की शूटिंग करनी थी, लेकिन कारगिल का मौसम अचानक खराब हो गया। वे कहते हैं कि हम यहां 17 डिग्री में शूटिंग कर रहे हैं, जो कि काफी ठंडी मौसम है, जिसकी वजह से शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया। 4 दिन की बजाय राहुल की शूटिंग 10 दिन तक चली। इसी मौसम की वजह से राहुल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उनके ब्रेन की सर्जरी हुई है। 3 दशक से फिल्मों में सक्रिय राहुल ने 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमे अनु अग्रवाल भी लीड रोल में थी। वे बिग बॉस के पहले सीजन 2007 के विनर भी रहे हैं।